इंग्लिश तो आती होगी आपको, इंग्लिश तो आती ही होगी आपको, नहीं और अंग्रेजी नहीं। तो मैं कह रहा था अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आई मीन थोड़ी बहुत आती होगी, जैसे आपके मैसेज आते हैं, कोई चैटिंग करता है, तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसकी मीनिंग आप नहीं समझ पाते हो, मतलब वो आपको समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहा है ये। तो आपको एक ऐप के बारे में बताने वाले हैं। इस ऐप से आप इस तरह से किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। मतलब जैसे आपके पास कोई मैसेज इंग्लिश में आया तो उस पर इस तरह से ले जाके आपको सर्च करना है तो आपका वो सारा का सारा मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, या फिर हिंदी में आया तो अंग्रेजी में हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, इस ऐप का नाम है, सब्सक्राइब कर लो। तू कहाँ से आया आज? वीडियो लाइक से है? तो देखिए ये है वो ऐप T430 हाई ट्रांसलेटर, इसका नाम है हाई ट्रांसलेटर। चलिए इसको कैसे यूज करते हैं ये आपको बताते हैं। तो देखिए हम अपने वाले की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम हाई ट्रांसलेटर को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाके हम इसको सर्च करेंगे हाई ट्रांसलेट। हाई ट्रांसलेट जो आपको टीटी दिख रही होगी इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो इंस्टॉल करते हैं। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, तो आप इसको थोड़ा वेट करके स्टार्ट कर देना है। देन स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, ये आपको थोड़ा दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे आप इसको यूज करना, ठीक है। डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो आप हाई ट्रांसलेटर को इसको ओपन कर देना है, देन यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर हाई ट्रांसलेट लिखा हुआ है, उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेटर लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना तो इंग्लिश से हिंदी में हो जाएगा। अगर आपको दूसरी भाषा में करना है तो इस पर क्लिक करके आप उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस भाषा से जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है उस भाषा को पहले सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपको इंग्लिश से किसी दूसरी भाषा में करना है तो यहाँ पर इंग्लिश करेंगे और दें उसके बाद यहाँ पर करेंगे जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है उसको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंग्लिश से हिंदी सब लोग करते हैं और करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ से, ठीक है, तो ये बता रहा है इसको ऑन कर दो। तो इसको ऑन करने के लिए आप कहीं पर भी क्लिक कर देना, देन ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे डाउनलोड ऐप्स में आ जाना है, मतलब आपको हाई ट्रांसलेट देख लेना है कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हाई ट्रांसलेट पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से ओके कर देना है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑन हो चुकी है। यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ से जो टर्न ऑन करने के लिए ऑप्शन आ रहा था, मतलब लिखा हुआ था रेड, तो वो हट चुका है, ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर नीचे देखिए टी, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लिख कर भी अनुवाद कर सकते हो, मतलब इंग्लिश में लिख के हिंदी में कर सकते हो या फिर हिंदी में लिख के अंग्रेजी में कर सकते हो, जो भी ट्रांसलेट करना हो। और कोई आपके पास फ़ोटो हो तो कैमरा खोल के आप फ़ोटो भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आपके पास कोई इंग्लिश में लिखा हुआ फ़ोटो है उस पर कैमरा करोगे तो आपको ये ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देगा, और जैसे आपको बोलना है कुछ हिंदी में उसको इंग्लिश में करना है तो ये वॉइस पर क्लिक करके आप बोल सकते हो और उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो या फिर इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम कुछ नहीं करना है, अब हमको बैक जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। बैग जाने के बाद अब मैं कहीं पर चलता हूँ, जैसे व्हाट्सएप पर चलते हैं, कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पर या फिर सादा मैसेज आते हैं वहाँ से, मतलब किसी भी चीज़ को आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैं ये मैसेज आया था मेरे पास, इसको ट्रांसलेट करना, जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा मेरी, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये चिन्ह दिख रहा हुआ है, ठीक है, और फिर कहीं पर भी क्लिक कर देना। अब इसको ऐसे खिसका के इस पर कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग में शानदार ऑफर का आनंद लें अवेल करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश में था हिंदी में हो चुका है ट्रांसलेट, ठीक है। कि हमारी स्क्रीन पर कोई भी कुछ भी हो उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे मैसेज में जाते हैं सादा मैसेज में और यहाँ से हम किसी जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में करते हैं, ठीक है ना। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसको ला के इस पर कर देना है। देखिए पूरा का पूरा इंग्लिश में आ चुका है। आपको इंग्लिश भी सीखना हो तो हिंदी में हो जो चीज़ उसको इंग्लिश में कर सकते हो, तो आप अच्छे से इंग्लिश भी सीख सकते हो, है ना। वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख गए हो क्योंकि आप बहुत ही बड़े वाले अंग्रेज हो, तो वीडियो को लाइक,
तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।